यार बॉलीवुड के लिए साउथ इंडस्ट्री का एक और तोहफा आ रहा है। नहीं समझे, एक ऐसी मूवी बन रही है जो ब्लॉकबस्टर होने वाली है, उसका भाई ये चुपचाप रीमेक कर लेंगे एक दो साल बाद। धनुष की नई मूवी आ रही है जो तमिल और तेलुगु में आ रही है, जिसका नाम है नेने वास्तुना, और भाई इसका टीजर आया है और एकदम रैप्चिक टीजर है, मजा आ गया देख के। आज इसके बारे में बात करते हैं। हाँ यार, आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त ना तो आपका काटेगा और ना ही ज्ञान बांटेगा। तो कैसे हो यार, वेलकम टू हेटिया शिट। यार जैसे धोनी थे ना क्रिकेट फील्ड में कि अनहोनी को होनी कर देते थे, वैसे भाई धनुष भी हैं। उनके कुछ एग्जांपल देता हूँ पहले तो मैं तुम्हें। तुम्हें पता है कि धनुष एकमात्र ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने भाई रूसो ब्रदर्स जैसे डायरेक्टर, जो हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एवेंजर्स जैसी मूवी बनाई है, उनके साथ काम किया था अभी द ग्रे मैन में। और ये तो मैं फिर भी छोटा सा एक एग्जांपल मानता हूँ, जो बड़ी बात है वो अगर मैं बता दूंगा तो तुम कहोगे यार ऐसा नहीं हो सकता। भाई अनिल कपूर की बेटी तुम्हें पता है कितनी टैलेंटेड थी, सोनम कपूर, भाई उसके साथ ना अच्छे अच्छे हीरो ने मूवी करी, जैसे रणबीर कपूर, सलमान खान, वो भी उसकी मूवी कोई हिट नहीं करा पाए। लेकिन भाई एकमात्र जो धनुष है, वो उन्होंने उनके साथ जो मूवी करी भाई वो सुपर हिट हो गई। वो मूवी थी रांझना, तुमने देखी होगी, क्यों मान गए ना भाई। तो भाई धनुष को तुम फिल्म इंडस्ट्री का धोनी कह सकते हो। खैर बात करते हैं उनकी, जो अब ये मूवी आ रही है नेने वास्तुना, इसका टीजर आया है। और भाई टीजर की खास बात यह कि इसमें एक भी डायलॉग है नहीं, सिर्फ बीजीएम है। तो तुम देख सकते हो, चाहे तेलुगु मूवी हो लेकिन हिंदी ऑडियंस भी देख सकती है। धनुष का इसमें डबल रोल दिखाया है, एक तो काफी वाइल्ड कैरेक्टर दिखा रखा है जो जंगल में घूम रहा है और लोगों को मार रहा है, कभी चाकू से मार रहा है, कभी भाई तीर धनुष से मार रहा है, और वो काफी यंग सा भी दिखाया है। और दूसरा कैरेक्टर जो धनुष का दिखाया है, वो दिखाया भाई एक शहर का रहने वाला बंदा है, वो थोड़ा सा ओल्ड एज भी है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े हैं। और भाई अब इन दोनों की पास्ट स्टोरी क्या है, आपस में क्या इनका कनेक्शन है, वो कुछ नहीं पता लगा। टीजर के एंड में दिखाया कि दोनों का आमना सामना होता है और जो वो वाइल्ड वाला यंग वाला है वो उसे मारना चाहता है, ओल्ड वाले को जो शहर में रहता है। तो भाई इनकी क्या पास्ट स्टोरी है ये कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं हुआ है, लेकिन भाई मूवी में ऐसा लग रहा है मूवी में दम होगा, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी सी यूनिक लग रही है। और भाई इसमें जो एक्टिंग स्किल्स है वो तो धनुष की है ही टॉप क्लास। ऊपर से भाई मूवी के टीजर में बीजीएम खतरनाक है भाई साहब, मजा आ गया देख के। तुम देखना जरूर, अगर तुम्हें तेलुगु आती है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ बीजीएम है और एक्टिंग स्किल देखने को मिलेगी तुम्हें धनुष की। तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई तो बॉलीवुड वाले के तो मजे आ गए, क्योंकि उन्हें तो भाई एक पकाई मूवी मिल गई, एक सुपरहिट कॉन्टेंट मिल गया। तो खैर यार, तुमने टीजर देखा तो तुम्हें टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, और भाई अगर तुम भी धनुष के फैन हो तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।